कि आप आइए सामने आइए, और सरकारी स्कूल के 1, 2, 3 जितने भी आप बच्चे ले सकते हैं आप उतने बच्चों को के मेंटोर बनिए। तो उनसे आप लगातार फ़ोन पे बातचीत करते रहिए, उनको फ़ोन पे आप गाइड करते रहिए, बच्चे आपको फ़ोन कर करके पूछते रहेंगे। और कई बार बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, हमने देखा है कि इस वाले एज ग्रुप के अंदर सुइसाइड्स भी बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रेस में होते हैं, इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं। तो अगर उनके साथ कोई है जिसके साथ वो मन हल्का कर लें तो वो बड़ा उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो देश के मेंटोर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा है कि वो भी कुछ बच्चों के मेंटोर बनेंगे और वो लोगों को अपील करेंगे देश भर के लोगों को कि वो भी मेंटोर बने। अब मैं सोनू सूद जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो। थैंक यू सो मच अरविंद सर, मनीष सर, राघव भाई फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म के पे हूँ विजनरीज के साथ। मैं सर को विजनरी इसलिए बोलता हूँ कि जब एजुकेशन का नाम आता है तो देश में दिल्ली का नाम हमने हमेशा देखा है कि अगर एजुकेशन हो तो दिल्ली जैसी हो। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे देश में अगर ग्रोथ तभी हो सकती है जब एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली में किस लेवल का चेंजेस आया है। एंड ऑल थैंक्स टू सर फॉर दैट। जब लॉकडाउन शुरू हुआ लाखों माइग्रेंट्स के साथ, लोगों के साथ जुड़े, उनकी मेडिकल की प्रॉब्लम देखी, तो एक एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। पहले लॉकडाउन में करीबन 2,000 से 2,200 बच्चों को हमने पढ़ाया, और अभी करीबन 20,000 बच्चों को एस सू चैरिटी फाउंडेशन हम लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसा अरविंद सर ने कहा कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि उनको पता नहीं है कि क्या करना है, मैं क्या करूं। कई बार हमारे जो अच्छी फैमिलीज़ के माँ बाप होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, बताते हैं कि भैया आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, MBA कीजिए, कोई भी कीजिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जिनको बताने वाला कोई नहीं है। उनको एक रास्ता तो दे दिया आपने, एक प्लेटफॉर्म दे दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छा सर दिया, लेकिन उन्हें बताने वाला नहीं कि आप करें क्या, दिशा कौन सी पकड़े। तो उस समय हमें वो लोग चाहिए जो एक बहुत एक्सपीरियंस साथ में लेकर आते हैं, जो आपके मेंटोर बनते हैं, जो आपको बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। वो हर घर के अंदर कहीं ना कहीं एक मेंटोर है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो कैसे उन तक पहुँचे। सो मुझे लगता है कि आज दिल्ली सरकार ने एक वो मौका दिया है आपको अच्छा काम करने का। हम हमेशा बोलते हैं कि यार मैं करना चाहता हूँ, पहले मैं कुछ बन जाऊँ, मैं उस लायक बन जाऊँ, फिर मैं कुछ करूँगा, मैं इस्टेब्लिश कर लूँ, मैं अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करूँ, या मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं जाके मदद करने की कोशिश करूँगा। पर मुझे लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है देश के मेंटोर्स का, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी इंसान, चाहे वो अभी भी ज़िंदगी के वो पड़ाव चढ़ रहा है, अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा है, वो एक बच्चे का, 2 बच्चों का 10 बच्चों का मेंटोर बन सकता है, उसे बता सकता है कि आप लाइफ में क्या करें क्या ना करें। मनीष सर अभी मुझसे शेयर कर रहे थे, जो मैं बहुत अच्छे ढंग से रिलेट कर पा रहा था, कि हमें पता नहीं चलता कि हम किससे पूछें। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, जब 11-12 था तो उस समय दो ही प्रोफेशन होते थे, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, तो इंजीनियरिंग करने चले गए हम लोग। लेकिन आज इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने ज़्यादा एवेन्यूज हैं, और इतने ज़्यादा रास्ते खुल गए हैं जहाँ पर लोगों को पता नहीं है, पर लोग जो इन रास्तों से ऑलरेडी गुजर चुके हैं या कुछ सफ़र तय कर चुके हैं, उन लोगों को मेंटोर बनने का बहुत बड़ा मौका है, बताने का बहुत बड़ा मौका है कि आप आए हाथ थामें। मेरे साथ करण भाई भी बैठे हुए हैं, मैं इनको पिछले 10-12 साल से जानता हूँ, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो हमारी दोस्ती का एक अलग रास्ता इसलिए मिला क्योंकि हमने बोला कि चलो हम बच्चों का भविष्य बदलने की कोशिश करते हैं, उनको करने की पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और आज हम हज़ारों बच्चों को पढ़ाए भी। सो माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जो भी लिसनर्स हैं या हमें सुन पा रहे हैं, आज आपको एक अच्छा काम करने का मौका दिया जा रहा है, देश का मेंटोर बनने का मौका मिला जा रहा है। हम लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि भैया यार हमारे लिए फलाना आदमी कुछ नहीं करता, हमारा ये हक बनता है, हमने वोट दिए, वो क्यों नहीं करते। मुझे लगता है शिकायत करना बहुत आसान है और खुद काम करना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें दिशा नहीं बनती। आई थिंक आज दिल्ली सरकार ने ये प्लेटफॉर्म खोल के देश के मेंटोर्स का प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, बल्कि आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है देश के लिए कुछ करने का। सो बी ए पार्ट ऑफ इट, चुनिए उन बच्चों को। आज हर एक बच्चा, अगर आप एक भी बच्चे को दिशा दे पाते हैं और उसे बना पाते हैं, सो आई थिंक उससे बड़ी देश
भक्ति वाली कोई फीलिंग नहीं होगी और उससे बड़ा देश को योगदान नहीं होगा अगर आप वो कर पाएं. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और आई फील ब्लेस्ड कि आज अंडर द लीडरशिप ऑफ अरविंद सर, मनीष सर एंड राघव भाई कि दे हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं और हज़ारों नहीं लाखों लोगों तक, लाखों स्टूडेंट्स तक पहुँच पाऊँ और उनके मेंटोर बनने की कोशिश कर पाएँ. सो आई थिंक टुगेदर वी कैन एंड वी विल. बोलते हैं ना कि जो मुश्किल में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा. सो आई थिंक वो समय आ गया है कि हमें सबके साथ में खड़े होना है और यू नो करके बताना है. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सर. कोई पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं किया. ये उससे भी बड़ा मुद्दा है मुझे लगता है, इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता. जी जी सर. सर एक एक करके मैं पूछता हूँ. सॉरी. हाँ जी जी. नहीं, नथिंग, देयर इज नथिंग पॉलिटिकल. मैं हमेशा मेंटेन करता रहा हूँ कि लोग हमेशा बोलते हैं कि आप यू नो कोई अच्छा काम करना है तो पॉलिटिक्स में आइए या क्यों नहीं आ सकते. बहुत कमाल का फील्ड है एंड आई थिंक अगर आप आएँ तो वन हैज़ टू बी ब्लेस्ड. बट एज ऑफ नाउ वी हैवंट डिस्कस एनीथिंग पॉलिटिकल बिकॉज ये मुझे लगता है ये मुद्दा उससे भी बड़ा है एंड दिस इज अबव ऑल. इसी में इतना मजा आ रहा था बात करने में कि यार ये करें तो जी सर. सर जो अच्छा काम करे सारे अच्छे हैं. मुझे कल आप अच्छा काम करें मैं आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा. सॉरी सर. सर मुझे ना मैं बता रहा हूँ पिछले जब मैंने मुझे पता भी नहीं था पॉलिटिक्स तब से मुझे यू नो ऑफर्स आती रही हैं लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं करने का और इसलिए कभी पॉलिटिकल डिस्कस नहीं किया. जी क्लासेस सब लोग बड़े बड़े लोग आके तारीफ करते गए हैं. लगता है कि अब ऐसी जो चीजें हैं वो पंजाब में भी होनी चाहिए और क्योंकि खुद गए थे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सब लोग वहां जा रहे हैं. आपके पंजाब में प्रभारी भी बैठे हैं सर प्रभारी. तो लगता है कि ये लोग आकर ही पंजाब में कुछ बदलाव कर सकते हैं ऐसा आपको लगता है क्या? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी सोच है ना उसको दिशा अपने आप दिख जाती है और जो अरविंद सर की लीडरशिप में दिल्ली में हुआ है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं. वो सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है और मुझे लगता है ना सिर्फ पंजाब देश के हर कोने में होना बड़ा इम्पोर्टेंट है हर एक. जी सर. नहीं नहीं सर मैं ऐसा मैंने सोचा कि कोई पॉलिटिकल मतलब सोच दूर दूर तक नहीं हमारा. हमने सोचा अभी तो हम चाय पिए और देश के मेंटोर बनने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग. अभी जो लॉन्च होगा इसका देश के मेंटोर्स का जैसे मैंने बताया कि सोनू जी उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं लगभग अराउंड मिड सितंबर डेट अभी फिक्स कर लेंगे उसका प्रोग्राम का लॉन्च होगा. अभी पायलट प्रोजेक्ट हमने किया था पिछले एक डेढ़ साल से वो पायलट प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल रहा हमारा. जो मेंटोर्स थे उनके भी एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे थे जो बच्चे थे उनके भी एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे थे. तो मिड सितंबर में इसको करेंगे. जहाँ तक फिल्म पॉलिसी है मैं आपसे डिस्कस करना भूल गया. दिल्ली सरकार अब एक फिल्म पॉलिसी लेके आ रही है तो मैं पहली फिल्म लेके आता हूँ सर. सो मैं आज डिस्कस करके मुलाकात हम डेढ़ घंटा बैठे लेकिन हम ये मेंटोर वाले कार्यक्रम में और इनके काम को सुनने में और उसमें इतने ज़्यादा मशगूल हो गए वो डिस्कस करने का मौका नहीं मिला. बट उसको फाइनलाइज करने के पहले वी विल डेफिनेटली शो इट टू हिम एंड हैव हिज इनपुट्स.